नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए मित्रों, आज बात करेंगे साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की। 23 जुलाई 2022 को रीट का फर्स्ट लेवल का जो पेपर आयोजित हुआ था साइकोलॉजी मनोविज्ञान का, उसकी हम बात करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। डी सीरीज का पेपर ही है और लेवल वन का है और फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित हुआ था 23 जुलाई को सुबह वाली पारी में। इस पेपर को हल करने वाले हैं और साइकोलॉजी अपन हल करेंगे, तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है, तो एक बार जरूर फटाफट रिवीजन के माध्यम से आपको एमसीक्यू प्रश्न करवाने वाला हूँ मैं। जल्दी से देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा, 30 प्रश्न अपन करने वाले हैं इसमें। पहला प्रश्न है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? बच्चा होता है, यानी चाइल्ड होता है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो ये जो दर्शाने वाली चीज़ है, ये है बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। यानी बच्चे अपनी स्वयं की इच्छा से ज़्यादा करते हैं, उनको बार बार कहने से वो किसी चीज़ को कम करते हैं और अपनी इच्छा से ज़्यादा करते हैं, तो बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। अगला प्रश्न है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे कितने हैं? तो जो काम के घंटे निर्धारित किए गए हैं वो 45 घंटे एक सप्ताह के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता यानी रिलेबिलिटी है, वैधता वैलिडिटी है और ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता है, एप्टीट्यूड अभिक्षमता इससे भिन्न है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ये ऑप्शन राइट है, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि छात्र, ऑप्शन डी राइट है, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, क्रियात्मक अनुसंधान का जो अर्थ है वो एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सकता है। ये रीट के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन सेकंड ग्रेड में टॉपिक नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, जो शिक्षक की भूमिका जो होनी चाहिए वो सुविधादाता, सुविधा प्रदाता या फैसिलिटेटर की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विकास को सामान्य से विशिष्ट यानी ऑप्शन ए राइट है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना चाहिए यानी जनरल टू स्पेसिफिक, मिलान करना है। प्रश्न नंबर 10 में आपको मिलान करके बताना है, तो इसमें बात करते हैं ऑप्शन ए राइट है, यानी समीप दुराभिमुख दिशा यानी शरीर से केंद्र से बाहर की ओर, सिर पदामुख यानी सिर से पैर की तरफ की बात करते हैं तो ए ऑप्शन दे रखा है इसमें, और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता है तो विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का मतलब होता है किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के किसी एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकृति और पोषण विवाद आनुवांशिक एवं वातावरण यानी जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कथन बताना है आपको ABC में शामिल करके। तो यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यानी अद्वितीय है यही बिल्कुल असत्य है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, सही है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो केवल ऑप्शन डी यानी ए बिल्कुल इसका गलत जवाब है। असत्य पूछा है तो ये असत्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तब होता या होती है जब परिवर्तन अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्धता प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ पे आएगा विकास यानी डेवलपमेंट। विकास तब होता है या होती है जब परिवक्ता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा है इसमें, तो प्राक टोली अवस्था है और अनुकरणी आयु भी है, सवाल करने की आयु है, खिलौना आयु, ये सारे हैं। इसका मतलब इसमें बोनस मिला है, इस प्रश्न को बोनस दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है, किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है, यह सिद्धांत किसने दिया है? यह सिद्धांत देने वाले हैं थॉमसन। अगला प्रश्न है, कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? प्रक्षेपी विधि की बात कर रहे हैं अपन, तो कथानक संप्रत्यय परीक्षण प्रक्षेपी विधि यानी थेमेटिक एप्रिसिएटिंग टेस्ट यानी TAT। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 होती है।
उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। ऑप्शन डी राइट है इसमें। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता तो उसकी मानसिक आयु होगी, तो उसकी जो मानसिक आयु है वो है 12। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बुद्धि लब्धि के निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु गुणित 100। ये फार्मूला जो देने वाले थे वो ए विलियम स्टर्न भी इसमें सही जवाब दिया गया है। विलियम स्टर्न भी इसमें सही जवाब दिया गया है और टर्मन भी, यानी दोनों सही जवाब है इसके अंदर। जो दोनों जिन जिन छात्रों ने दोनों किए वो दोनों सही माने गए हैं इसमें। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है, यानी क्रिएटिविटी की बात करते हैं। जो क्रिएटिविटी किससे संबंधित है तो ये डिवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो समायोजन को जो बढ़ावा देती है वो विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति यानी फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एनेक्सिटी। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है। तो प्रतिभाशाली बालक के लक्षण आपको बताने हैं तो इसमें ऑप्शन बी राइट है, 1 और 2, यानी अभिव्यक्ति में नम्यता और जिज्ञासा दोनों प्रतिभाशाली बालक के लक्षण है। अगला प्रश्न बात करते हैं, एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। दो विपरीत जो इच्छाएं होती है उनको द्वंद्व कहा जाता है यानी कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है यानी गणित में अच्छा है। रवि लेखन कौशल से अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो रवि में अधिक संभावना किसकी है, तो इसमें डिस्लेक्सिया यानी पढ़ने संबंधित विकृति यानी गणित में अच्छा है तो उसके पढ़ने में दिक्कत आ रही, पढ़ने संबंधित विकृति यानी डिस्लेक्सिया नामक समस्या से ग्रसित है। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है। तो ये कथन दिया गया है स्किनर के द्वारा। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम कौन से प्रकार का है। यह जो अधिगम है वह सकारात्मक स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो कहते हैं वो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी यानी क्रियाप्रसत अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है यानी इंटरनल मोटिवेशन की बात करता है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट है, मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश कर रही क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है पूछा है इसमें, यानी नहीं किया है वो बताना है आपको। तो इसमें B.S. ब्लूम में अधिगम का प्रतिपादन नहीं किया है, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। थॉर्नडाइक ने किया है, स्किनर किया है, कोहलर ने किया है, B.S. ब्लूम ने नहीं किया है। ये थे टोटल 30 प्रश्न अपने सेकंड ग्रेड के लिए, महत्वपूर्ण क्लास है ऑब्जेक्टिव के रूप में, MCQ के रूप में, और थर्ड ग्रेड के रीट मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साइकोलॉजी में वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं जो पूर्व एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो पूर्व एग्जाम पूछे गए प्रश्न की पहली क्लास थी अपनी, 23 जुलाई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, इसको हमने हल किया है, और 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट के पेपर को कल हल करने वाले, अगली क्लास में हल करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।